Hello everyone, students. Today we will revise our chapter, The Adventures of Toto, which is written by Ruskin Bond. First of all, I would like to tell you about Ruskin Bond something. Ruskin Bond is author of British is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Lindore in Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got many awards like Sahitya Akademi Award in 1992, and he got Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So he was a great writer. And now I will describe this story briefly. First of all, in this story, Adventures of Toto, Toto is a monkey. The story is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond has described how his grandfather was fond of animals. He bought a monkey from a Tonga driver for ₹5. Initially, when the grandfather saw Toto tied up to a feeding trough, he found him looking very ill and ugly. As the grandfather had his own private zoo, he kept the little monkey in it. दादाजी ने जो है उसको टोटो को ₹5 में ख़रीदा था टोंगा ड्राइवर से. वो फीडिंग ट्रक से जो है उस पर बंधा हुआ रहता था. पहले तो दादाजी को थोड़ा सा अगली भद्दा सा नज़र आया, लेकिन दादाजी को जो है जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था और दादाजी जो है उसको अपने प्राइवेट जू में रखना चाहते थे, जहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारे एनिमल्स को रखा हुआ था. अब हम थोड़ा सा टोटो के बारे में जानते हैं. Toto used his tail as a third hand. He used it to hang from a branch and for scooping up any delicacy that he could not reach with his hands. Toto's presence was kept a secret from grandmother as she didn't like animals. सबसे पहले तो टोटो के बारे में बताया गया है कि टोटो जो अपने तीसरा हाथ क्या, उसकी पूंछ को जो है थर्ड हैंड की तरह यूज़ करता था, किसी भी टहनी से लटकने के लिए, अपने आप को जो है उसके ऊपर लटकाने के लिए वो इसका यूज़ करता था. और ग्रैंड मदर से जो है इस बात को छिपाया गया था, टोटो की प्रेजेंस को छिपाया गया था, क्योंकि ग्रैंड मदर जो है एनिमल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. One day when grandfather was going out of station, he decided to take Toto along with him. A big black canvas kit bag was provided for Toto so that he could be concealed and would not be able to escape. एक दिन जब दादाजी जो है बाहर अपनी पेंशन के रिगार्डिंग जा रहे थे, तो टोटो को भी जो है दादाजी ने डिसाइड किया अपने साथ ले जाने का, क्योंकि वो बाकी एनिमल्स को जो है टिकने नहीं देता था जू में, सबको जो है परेशान करता था, रात को सोने नहीं देता था. तो जब दादाजी ने क्या किया, एक कैनवास बैग में जो है उसको डाला कि जो है मैं इसको अपने साथ ही लेकर के जाऊंगा. ग्रेजुअली ग्रैंड मदर इज एक्सेप्टेड टोटो इन द हाउस. जब ग्रैंड मदर को पता चला तो वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं. इन विंटर्स व्हेन टोटो हैड टू गो फॉर बाथ, he would cunningly test the temperature of the water with his hand. When the water became cold, he would run to the kitchen fire to dry himself. If anyone laughed at him, he felt hurt and would refuse to continue with his bath. Toto's mischief was progressing from tolerable to intolerable. He could not be tamed and domesticated. Soon grandfather realized that Toto was not the type of the pet to be kept in the house. He found the Tonga driver and sold Toto back to him for ₹3 only. दादाजी ने जब देखा कि टोटो को हम घर में नहीं रखते क्योंकि उसकी जो शैतानियाँ थी वो इंटॉलरेबल हो गई थी और उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता था, उसको घर में नहीं रखा जा सकता था,
क्योंकि उसने जो है एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें जो है सब घर वालों के लिए पुलाव बना गया था, और उसने जो है बहुत सारी प्लेट्स को तोड़ दिया, और आंटी के ऊपर भी जो है कुछ ग्लास जो है वो फेंक दिया, और दादी जी के ऊपर भी जो है प्लेट्स को फेंक दिया, और सारा पुलाव जो है वो ऊपर एक पेड़ पे चढ़ के जो है खा लिया, और नीचे जो है प्लेट को फेंक दिया। तो ये सब चीज़ें जो है उसके इनटॉलरेबल हो गई थी, इसलिए दादाजी ने रियलाइज़ किया कि इसको वापस जो उसी जगह पे डाल देना चाहिए जहाँ से इसको लेके आ गया था। और वो कहाँ से लेके आए थे, इसको टोंगर ड्राइवर से लेके आए थे, तो वो उसको 3 रुपये में वापस बेच देते हैं। तो दादाजी को इससे नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने ख़रीदा उसको 5 रुपये में था और बेचा कितने रुपये में था, 3 रुपये में। तो ये चीज़ भी जो है ध्यान रखने की है कि दादाजी ने जो है टोटो को कितने रुपए में ख़रीदा था और बेचा कितने रुपए में था, 3 रुपए में। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं इस बुक टेक्स्ट से उठाते हैं जो कि हमारे पेपर में टेस्ट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे मेन पॉइंट्स क्या हैं, एक तो मैंने अभी भी आपको बताया कि दादाजी ने उसको 5 रुपये में ख़रीदा था, और किससे ख़रीदा था, टोंगर ड्राइवर से ख़रीदा था। और टोटो कैसा मंकी था, रेड मंकी, जो कि एक फीडिंग ट्रफ से बंधा हुआ था। अब इसके बाद जो है हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, बहुत ही सुंदर था, और उसकी जो ब्राइट आइज थी वो किससे स्पार्कल कर रही थी, आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, उसकी आंखों में जो है बहुत ज़्यादा शैतानी भरी हुई थी। मिस्चीफ क्या होता है, शैतानी। अब आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि उसकी जो है ब्राइट आइज किससे स्पार्कल कर रही थी, इनोसेंस से, मिस्चीफ से, या फिर जो है ऑनेस्टी से, या फिर कोई और पॉइंट आपको दे दिया जाए, तो दैट इज़ मिस्चीफ। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि जो है टोंगर ड्राइवर से दादाजी ने टोटो को कितने रुपए में जो है ख़रीदा था, तो आपको बताना है 5 रुपीज़ में। तो इस तरह से जो है कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट, एंड वन मोर क्वेश्चन अराइजेस हियर, हु वाज नाना। नाना कौन था, नाना इज ग्रैंडफादर्स पैट डोंकी, वो जो है उनका पालतू डोंकी है। और उसके बाद जो है लास्ट इंसिडेंट जो है हमारे पास क्या है, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू प्लेट इट हो। एक दिन लंच टाइम था जबकि जो है डिश बनाई गई थी पुलाव सबके लिए, और उसको डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। अब टोटो ने क्या किया, जो है वो सारा राइस था वो सब कुछ वो जो है अपने लिए रख लिया। दादी माँ जब उस पर चिल्लाती हैं तो टोटो क्या करता है, उनकी तरफ एक प्लेट फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनकी एक आंट जो है जब टोटो की तरफ भागती हैं पुलाव बचाने के लिए, तो वो क्या करता है, आंटी के ऊपर क्या फेंकता है, ग्लास ऑफ वाटर। और जब ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने क्या किया, उन्होंने उस डिश को उठाया और जो है खिड़की से बाहर जो है चला जाता है, और एक जैक फ्रूट की टहनी पर बैठ करके उसको खाना शुरू कर देता है। और जो डिश थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. सारी दोपहर जो है वो वहीं पर बैठ करके उसको खाता रहता है, और वो determined था कि एक दाना भी जो है उसमें नहीं छोड़ेगा, सब कुछ खा लेगा। And then in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब उसने दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, जो कि उसकी तरफ भाग रही थी, उसने ऊपर से ही प्लेट को जो है छोड़ दिया, और जब वो नीचे गिरती है तो उसके सैकड़ों जो है टुकड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। वी वर नॉट वेल टू डू
एंड कुडंट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट क्लोज अप डिशेज क्लॉथ्स कर्टेन्स एंड वॉल पेपर्स। अब यहाँ पर जो है ये लास्ट पैराग्राफ ये जो है इसमें रस्किन बॉन्ड क्या बोलते हैं कि हम इतने भी धनी नहीं थे कि हम जो है डेली का जो नुकसान था, चाहे वो बर्तन हो, कपड़े हो, कर्टेन्स हो, वॉल पेपर हो, उनको जो है टोटो ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम। और फिर दादाजी ने उसे टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको जो है 3 रुपये में वापस दे दिया। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है रिवाइज करेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। यहाँ पर जो है टोटो की पूंछ के बारे में बात की गई है कि वो जो है उसके थर्ड हैंड का काम करती थी टहनियों से लटकने में, और इस तरह से जो है उसको वो यूज़ करता था एज ए हैंड। हु इज़ ही इन द वो एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में ही जो है कौन है? टोटो अम्मा की, क्योंकि वही है जो है अपनी जो है पूंछ को यूज़ करता था। वॉट इज़ रेफर टू एज इट इन द एक्सट्रैक्ट? टोटोज हैड, टोटोज टेल, टोटोज हार्ट, टोटोज हैंड्स। इट, इट किसके लिए यूज किया गया है? टोटोज टेल। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज पिकिंग? कौन सा वर्ड जो है इस एक्सट्रैक्ट में सेम मीनिंग रखता है, सिनोनिम है पिकिंग का, दैट इज स्कूपिंग। इट वॉज कैपेबल ऑफ डैश, वॉट डज कैपेबल मीन? यहाँ पर जो है वो किस चीज़ के कैपेबल था, और यहाँ पर कैपेबल का मीनिंग क्या है? कम्पिटेंट। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रॉप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स, दीज वर्ड्स टू होम इन द अबो एक्सट्रैक्ट? दिए हुए समय में, यहाँ पर जब टोटो को पहली बार घर लाया जाता है और उसको जो है ऑथर के कमरे में एक छोटा सा जो है स्टोर रूम था उसमें बांध दिया जाता है, क्योंकि दादी माँ से जो उसकी प्रेजेंस को छिपाना था। और टोटो जो है इतनी देर में बहुत कुछ जो है वहाँ पर डैमेज कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है पूरा एरिया। वो जो है वॉलपेपर को ख़राब कर देता है, जो ऑथर का ब्लेजर था, स्कूल ब्लेजर, उसको फाड़ देता है। तो यहाँ पर जो ऑथर वो क्या कहता है कि दिए हुए समय में आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि वो जो है जो मेरे ब्लेजर के टूटे हुए टुकड़े थे, फटे हुए टुकड़े थे, जो कि टोटो ने खुद जो है ब्लेजर को फाड़ दिया था बिल्कुल पीसेस में, वो उनको बांध करके एक रस्सी भी बना लेता एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उस रस्सी से जो है विंडो के रास्ते से निकल के भाग जाता। हु इज स्पीकिंग दीज लाइन दीज वर्ड्स टू होम इन द अबो एक्सट्रैक्ट? द ऑथर टू ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर टू द ऑथर टू हिज फ्रेंड, द फ्रेंड्स ऑथर टू द ऑथर। तो यहाँ पर जो है ये सब कौन बोल रहा है? द ग्रैंडफादर टू द ऑथर। यहाँ पर दादाजी जो है ऑथर से बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा और टाइम दे देते, इसी टाइम में जो है ये क्या करता, तुम्हारे ब्लेजर के जो है टुकड़े हैं इनको बांध करके रस्सी भी बना लेता और रस्सी से जो है इससे इस खिड़की से बाहर भी चला जाता। हु इज रेफर टू एज ही इन द एक्सट्रैक्ट? टोटो। आपको पता है ये सब टोटो के बारे में बोला जा रहा है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज स्कूल यूनिफॉर्म जैकेट और कोट। ब्लेजर आप सब भी यूज करते हैं। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द ऑपोजिट ऑफ कैप्चर? कैप्चर का ऑपोजिट क्या है यहाँ पर? अवॉइड। नेक्स्ट इज टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज pulling it her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. यहाँ पर जो है ये कौन सा एक्सट्रैक्ट है हमारे पास? जब टोटो को जो है नाना के साथ एक जगह पे एक रूम में रख जो है सेट कर दिया जाता है,
तो टोटो जब दादाजी शाम को राउंड लेने के लिए जाते हैं चेक करने के लिए, तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं जब वो नाना को जो है कुछ अजीब सी हरकत करते हुए देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो नाना है वो अपने हाल्टर को जो है खींच रहा है बार बार, और अपने सिर को जो है बार बार कोशिश कर रहा है, और किस में टकरा रहा है, जो बंडल ऑफ हे था, जो घास फूस का जो ढेर था, उसमें जो है बार बार अपने सिर को मार रहा है। तो वो सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्यों कर रहा है। वट और हु इज़ रेफर टू एज नाना इन द अबो एक्सट्रिक्ट टिकट कलेक्टर, द ऑथर, द मेल डोंकी, द फीमेल मंकी। यहाँ पर मेल डोंकी, क्योंकि नाना मैंने आपको बताया था कि मेल डोंकी है। वाई वॉज शी पुलिंग एट हर हॉल्टर, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है, आप इस पर मत जाना, मंकी लिखा हुआ है हर जगह पे। बिकॉज टोटो वॉज बाइटिंग हर लॉन्ग ईयर्स। अब इसके बाद जो है क्या है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द सिनोनिम ऑफ एविडेंट। यहाँ पर जो है एविडेंट का सिनोनिम वर्ड कौन सा है, अपेरेंट। वॉट इन्फेरेंस डू यू गेट फ्रॉम द अबोव एक्सट्रैक्ट, टोटो वॉज वेरी मिस्चुअस, टोटो वॉज वेरी लेजी, वेरी ओबीडियंट एंड बिल्डेड सॉरी बलीड बाय द अदर पैट्स। यहाँ पर हमें इस एक्सट्रैक्ट से क्या पता चलता है कि टोटो जो है बहुत ही मिस्चुअस था, बहुत ही शैतान था। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक वेन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंड फादर्स अनवेंस, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। जो बेचारा आदमी था वो एकदम से, कौन है यहाँ पर बेचारा आदमी, टिकट कलेक्टर, वो एकदम से जो है उसको झटका लगता है, लेकिन फिर भी उसने जो है अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाते हुए, क्योंकि जब टोटो ने जो है अपना सिर उस कैनवस बैग से बाहर निकाला तो उसने देखा कि दादाजी ने जो है टोटो एक बंदर को अपने बैग में बंद किया हुआ है और वो किराया नहीं दे रहे हैं उसका। तो वो क्या करता है, वो बड़ा शातिरता से, बड़ी चालाकी से जो है दादाजी को बोलता है कि आपके बैग में तो जो है एक डॉग है, एक कुत्ता है, और आपको जो है उसके लिए किराया देना पड़ेगा, ताकि जो है दादाजी खुद अपने आप बताएं कि ये क्या है। हु वॉज द पुअर मैन इन द अबोव एक्सट्रैक्ट टिकट कलेक्टर, वाई वॉज ग्रैंड फादर एनॉयड, क्यों थे गुस्सा, बिकॉज ही वुड हैव टू कीप टोटो, बिकॉज ही वुड फॉल इल सून, बिकॉज ही वुड हैव टू पे फॉर टोटोज ट्रेन फेयर। फाइंड अ वर्ड फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज स्टार्टल्ड। यहाँ पर जो है स्टार्टल्ड से मीनिंग क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अकॉर्डिंगली, टेकन अबैक, टेकन बैक, बैक। स्टार्टल्ड क्या है, एकदम से धक्का लगना, झटका लगना, सरप्राइज हो जाना, टेकन अबैक। बट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड बट, प्रिपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या नाउन है। आपके अकॉर्डिंग जो है ये बट जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस। तो यहाँ पर बट जो है किसका काम कर रहा है, एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर एक कंजक्शन का, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जो है ये ज्वाइन कर रहा है और इसीलिए जो है ये कंजक्शन है। कम टू द क्वेश्चंस, हाउ डज टोटो केम कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। द ऑथर्स ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। ही यूज टू कीप इट टाइड ऑन अ फीडिंग ट्रॉफ, ऑन टू अ फीडिंग ट्रॉफ। ग्रैंड फादर वॉज एन एनिमल लवर हु फेल्ट दैट द मंकी लुक्ड अनकम्फर्टेबल एंड आउट ऑफ प्लेस एंड देयर फॉर डिसाइडेड टू टेक द प्रिटी लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब जो है दादाजी के प्राइवेट जू में टोटो कैसे आया, तो हम उसके बारे में जानते हैं। दादाजी ने जो है उसको एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था,
और जो कि उसके फीडिंग ट्रप से बंधा रहता था। ग्रैंडफादर जो थे वो एनिमल लवर थे और उन्हें महसूस हुआ कि जो टोटो यहाँ पर अनकंफर्टेबल है, ये कोई फिट जगह नहीं है एक एनिमल के लिए, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सुंदर मंकी को जो है उनके प्राइवेट जू में रखना चाहिए। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन वॉट सेंस टोटो प्रिटी? इज टोटो प्रिटी? टोटो एक सुंदर मंकी था, लेकिन किस सेंस में था वो? टोटो हैड ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विद मिस्चीफ बनीथ डीप सेट आईब्रोज पर्ली वाइट टीथ एंड विच ही स्माइल्ड वेरी ओपन एंड अ टेल दैट एडेड टू हिज गुड लुक्स। टोटो की जो है बड़ी चमकीली आंखें थी, बड़ी शैतानी से जो चमकती रहती थी उनकी, जो उसकी जो डीप सेट आईब्रोज थी उसके पीछे, उसके दांत बिल्कुल जो है मोती जैसे चमकते रहते थे, पर्ली थी, पर्ली वाइट। और उनकी जो उसकी एक टेल थी जो कि उसकी गुड लुक्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करती थी। उसके हाथ जो थे वो सूखे, बिल्कुल सूखे हुए नज़र आते थे सूर्य के एक्सपोजर के जैसे, जैसे उनको जो है धूप में सुखाया गया हो। बट हिज क्विक एंड विक्ड फिंगर्स मेड अप फॉर देम। लेकिन उसकी जो तेज उंगलियाँ थी वो सब जो है बहुत ज़्यादा उसके सूखे उंगलियों को, सूखे हाथों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलती थी, बहुत तेज़ जो है काम करती थी। और अपनी पूंछ से वो क्या करता था, किसी भी जो है टहनी पर, किसी भी ब्रांच पर जो है लटक जाता था। और यही जो मिस्चीफ है, यही जो उसका मैनरिज्म है, ये इसको टोटो को बहुत ज़्यादा प्रिटी बताता है। Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? Toto was very destructive and intolerant of other inmates of the zoo. His presence in the house was unknown to the grandmother. Grandfather had to go to Saharanpur the following day, so he decided it would be safer to take Toto along with him. He was put inside a big black canvas kit bag from which he could not escape when closed. He tried desperately to get out of the bag, attracting a lot of attention, but all his efforts were in vain. अब यहाँ तक हमने क्या जाना कि टोटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था और वो दूसरे एनिमल्स को जो है शांति से रहने नहीं देता था। और दादी जी से जो है उसकी प्रेजेंस को छिपाने के लिए दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि सहारनपुर जो उसको अपने साथ लेकर के जाएंगे, और वो एक कैनवस बैग में उसको डाल देते और उसकी जिप बंद कर देते। टोटो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए, लेकिन वो सब व्यर्थ जाती क्योंकि वो जो है उस बैग से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बट द नोटी फेलो पीप्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द रेलवे टर्नस्टाइल। लेकिन ये जो नोटी फेलो था, ये जो बंदर था, बहुत ही ज़्यादा शैतान था, इसने क्या किया, ये बैग से बाहर झांक ही लेता है और जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ स्माइल करता है। द कलेक्टर इंसिस्टेड ऑन कलेक्टिंग अ फी फॉर द मंकी, प्रोबेबली क्लासिफाइंग इट एज अ क्वाड्रोप्ट दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डॉग्स। अब कलेक्टर जो था वो भी बहुत तेज दिमाग था, उसने क्या किया, उसको जो है कुत्ता बोल दिया जान पूछ के, ताकि जो है दादाजी उसको खुद एक्सपोज करें सबके सामने, और उसके लिए जो है किराया मांगना शुरू कर दिया। प्रोबेबली क्वाड्रूप्ट क्या होता है, चौपाया, चार पैरों वाला, जो कि किसकी कैटेगरी के लिए होता है, डॉग्स के लिए। ग्रैंडफादर वॉज नॉट कन्विंस्ड बट हैंडेड ओवर अ फी ऑफ ₹3 फॉर टोटो। दादाजी जो है वो पैसे उसको नहीं देना चाहते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे थे, लेकिन फिर भी जो है उनको वो ₹3 जो है उसके किराए के तौर पर पे करने पड़े। How does Toto take a bath when he has learned to do this? How does he almost boil himself alive? In the cold winter evening, Grandma used to give him a large bowl of water, warm water, to bath. He would test the temperature of the water with his hands and step into the bowl one part of the body at a time until the water would rise up to his neck. दादी माँ जो है उसको ठंडी ठंड के समय में जो है शाम के टाइम गर्म पानी दिया करती थी, एक बड़ा बर्तन जो है पानी का दिया करती थी जिसमें वो नहाता था। पहले तो टेम्परेचर को टेस्ट करता था और फिर उसके बाद क्या करता,
उसमें बॉल में कदम रखता, एक पार्ट जो है बॉडी का उसमें रखता, और फिर धीरे धीरे जो है अपनी गर्दन तक पानी लेकर के उसमें बैठ जाता था। वेन ही ये स्मार्टनेस को दिखाता है टोटो की, कितना स्मार्ट था वो। वॉज कम्फर्टेबल ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर विद सोप। जब वो कम्फर्टेबली उसमें बैठ जाता तो सारे शरीर पर जो है साबुन रगड़ता था। ही वुड रश टू ड्राई हिमसेल्फ बाय द किचन फायर, और नहाने के बाद जो है वो सीधा किचन में जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। एज सून एज द वॉटर लॉस्ट इज वार्म इट्स वार्म्थ, ही हैड लर्न टू डू दिस बाय ऑब्जर्विंग द ऑथर। ऑन वन ओकेजन टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव एज ही गोट इन एंड आउट ऑफ द केटल दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द लाइ ऑन अ लाइव फायर। हैड ही नॉट बीन हॉल्ड आउट बिफोर इट वॉज टू लेट। अब वो क्या करता था, उसने ऑथर को ऐसा करते हुए देखा था, नहाते हुए जो है पूरा शरीर पर साबुन लगा करके अपने आप को जो है नहा नहलाना, और इसी तरह से जो है टोटो ने भी सीखा हुआ था। और वो भी क्या करता, नहाने के बाद जो है उसके जो वार्म्थ थी उसके ख़त्म होने से पहले वो सीधा जो है किचन में चला जाता था अपने आप को सुखाने के लिए, ताकि उसको सर्दी ना लगे। अब उसके बाद जो है क्या है, एक दिन टोटो अपने आप को बॉयल करने ही वाला था, क्योंकि जो है गर्म पानी जो है गैस पे चल रहा था बड़े बर्तन में, और टोटो अपने आप जो है उसमें जा करके बैठ जाता है। लेकिन उसको अगर पहले टाइम से नहीं निकाला जाता, उससे बाहर नहीं जो है रखा जाता, तो उस दिन वो अपने आप को उसमें बॉयल कर देता। व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो ऐसा मंकी नहीं था जिसको हम लंबे टाइम तक अपने घर पर रख सकते हैं। टोटो हैड ऑलरेडी शोन दैट ही वॉज नॉट कंपैटिबल विद द अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ही क्रॉस्ड ऑल पार्डनेबल लिमिट्स ऑफ मिसबिहेवियर वन आफ्टरनून व्हेन ही सेट ऑन द डाइनिंग टेबल ईटिंग अप द पुलाव दैट वॉज सपोज टू बी फॉर द फैमिली। व्हेन रिप्रिमेंडेड ही टुक अ डिश एंड पोस्ट हिमसेल्फ ऑन अ ट्री एंड कंटिन्यू टू ईट टू हिज फिल। टू अनोय ग्रैंडमा हू स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू डाउन द डिश एंड चैटर्ड विद प्लेजर व्हेन ही सॉ इट ब्रेक इनटू 100 pieces। दिस वॉज द रीजन फॉर द ऑथर सेइंग दैट टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो पुलाव वाला इंसिडेंट है ये उसके बारे में है कि किस तरह से जो है दादाजी उनके घर में जो है डिनर के लंच के लिए पुलाव बना था, और टोटो जो है उसके ऊपर अपना हक जमाता है, और जब कोई उसको रोकने के लिए चलता है तो दादी माँ की तरफ प्लेट फेंक देता है और आंट की तरफ जो है ग्लास ऑफ वाटर जो है उनके मुंह पर फेंक देता है, और फिर सारा पुलाव जो है डिश उठा करके वो एक पेड़ पर जा बैठता है, और जब तक उसने सारा नहीं खाया तब तक वो वहीं बैठा रहता है, और ऊपर से जो दादी माँ को चिढ़ाने के लिए उस प्लेट को फेंक देता है जो कि बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है। तो इसी वजह से जो है ऑथर कहता है कि वो एक ऐसी टाइप का मंकी नहीं था कि जिसको हम अपने घर में रख सकते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली, यू हैव टू रीड इट थॉरली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड स्टूडेंट्स, फॉर योर इंग्लिश शूटिंग प्लीज़ listen it carefully. For all the duties and on 13th your first duty is of English, so you have to be ready with your email ID. Without email ID you can't log in into the test, so you have to be ready for the email ID. Thank you.